प्यार के करो सेना करी हाँ। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और गाइज, हम भी मस्त है। अभी सुबह के 9 बज रही है। गाइज, आज हम मिडिल स्कूल दिखाने वाले हैं, जो है कि पहला से लेकर हम 8वां तक उसी स्कूल में पढ़े हुए। तो गाइज, बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए जल्दी जल्दी हम तैयारी हो जाते हैं और उसके बाद निकलेंगे हम स्कूल। अभी हम नहाने जा रहे हैं। हे गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं स्कूल में। अभी हम रास्ते में हैं, 5-10 मिनट में ये हम पहुंच जाएंगे स्कूल में। तो फाइनली गाइज, हम स्कूल में पहुंच चुके हैं। गाइज, ये देखिए मेन गेट पे ताला लगा हुआ है। अब तो जाना ये मुश्किल है अंदर, फिर भी कोई बात नहीं, चलिए हम ये बाउंड्री तरफ के जाएंगे। बाउंड्री का उतना ये ज़्यादा हाइट नहीं है, बाउंड्री हम ये तरफ सकते हैं, तरफ के अंदर प्रवेश करेंगे। मेन गेट के सामने कुछ इस तरह के लोकेशन है, देखिए। ये देखिए, ये दुकान है छोटा सा। तो चलिए गाइज, बाउंड्री को तरफ कर हम स्कूल के कैंपस में प्रवेश करते हैं। तो गाइज, हम स्कूल के कैंपस में प्रवेश कर चुके हैं, ये देखिए। और बगल में ये रोड है, यहीं स्कूल है हम लोगों का। तो गाइज, इस स्कूल का नाम है उच्च माध्यमिक विद्यालय दुलमा। हम लोग जब इस स्कूल में ये पढ़ाई करते थे, तो उस समय ये पहला से लेकर 8वां तक ये स्कूल था, पर अभी ये 10 तक हो गया है। गाइज, इधर ये हाई स्कूल हो चुका है, ये मिडिल स्कूल। गाइज, हम बताना चाहेंगे, ये है पहला क्लास स्टैंडर्ड 1, और यहाँ पे है गाइज देखिए, और ये है स्टैंडर्ड 2, दूसरा क्लास है। हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं दूसरा क्लास। और ये वाला है पहला क्लास स्टैंडर्ड 1, और ये है स्टैंडर्ड 2, दूसरा क्लास। देखिए उस साइड है तीसरा क्लास। और गाइज, यहाँ पे है ऑफिस, इस स्कूल का ऑफिस वहाँ पे है, देखिएगा। चलिए वहाँ पास में चलते हैं। और ये रहा ऑफिस, देखिए इस स्कूल का ये ऑफिस है। और इधर ये जो दिखाई दे रहा है, इधर लेटरिन है, बाथरूम वगैरह ये हर चीज़ है उस साइड। बट उस साइड ये ताला लगा हुआ है गेट में, तो हम उधर नहीं जा सकते हैं, इसलिए सॉरी। पुराना याद ताज़ा हो रहा है, यहाँ पे आकर बहुत इंजॉय करते थे, बहुत मज़ा आता था गाइज। बोरा लेकर आते थे घर से ये पढ़ाई करने, यहाँ पे बोरा पे बैठ के पढ़ाई करते थे, और बहुत मज़ा आता था गाइज। सब समय चला गया गाइज। वो जो सीढ़ी टाइप का दिखाई दे रहा है, उस पर हम लोग चढ़ के और खूब छिहुलते थे। तो गाइज, चलते हैं स्टैंडर्ड 3 में, स्टैंडर्ड 3 क्लास में। तो गाइज, यही है, ये वाला तीसरा क्लास है गाइज। देखिए क्या हाल हुआ है इस स्कूल का, ये देखिए। अब जो भी करे इस टाइप से, देखिए क्या किया है। देखिए गाइज, सरकारी स्कूल का बहुत ख़राब हाल हो गया है, सरकारी स्कूल का गाइज। हर कोई आजकल प्राइवेट में ये अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, सरकारी स्कूल में इसी कारण नहीं पढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल में कोई डिसिप्लिन नाम का ये चीज़ नहीं है, और नहीं कोई टीचर लोग भी स्टूडेंट लोग को अच्छा से ये पढ़ाते नहीं है, अच्छा से ध्यान नहीं देते हैं गाइज। आते हैं सरकारी स्कूल के ये टीचर लोग, और ऑफिस में बैठ जाएंगे या कहीं कोना उना में बैठ के अपना ये मोबाइल वोबाइल चलाते रहते हैं। और बच्चा सब क्या, बच्चा सब भी वहीं खेल में मन लगवे करता है बच्चा सब को, तो वहीं वो भी अपना खुश रहता है।
हम लोग भी जब ये इस स्कूल में पढ़ाई करते थे तो हम लोग भी यही काम करते थे। हम लोग भी ये बोरा बिछाकर और उस पर अपना किताब कॉपी रख के और ये चले जाते थे उधर बाउंड्री तरफ के और उधर फुलवारी में और उधर अपना ये समय बिताते थे। जैसे ही छुट्टी का ये टाइम होता था आकर अपना बस्ता उस्ता लेके फिर घर चले जाते थे, क्योंकि टीचर लोग भी ध्यान नहीं देता है, अब पढ़ाता भी नहीं है टीचर लोग। यहाँ पे नहीं गए, सब जगह यही हाल है। हम आसपास के एरिया में भी पता किए कि अगर वहाँ पे अच्छा पढ़ाई उढ़ाई ये होता हो तो हम अपना एडमिशन उसी स्कूल में ये कराएंगे, बट उधर भी यही हाल है। तो अब घर के बगल में ये स्कूल है तो इसी में ये एडमिशन करवाना पड़ा। तो ये तीसरा क्लास है, देखिए चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को। गाइज ये देखिए ये क्या हाल हुआ है, ये देखिए इधर आधा का ये आधा बचा हुआ है, आधा कोई लग रहा है ले गया। ये देखिए क्या हाल हुआ है इस जंगला का, बताइए। इधर से इधर के ये लकड़ी भी ले गया और छर भी निकाल के जो लगा रहता है इस टाइप से वो भी निकाल के ये ले गया। कोई पता नहीं अब कौन ले गया, बट टीचर लोग या स्टूडेंट लोग या आसपास के जो घर है यहाँ पे वो सब अगर ले गया हो, मुझे तो मालूम नहीं है, बट ये गलत बात है, इस टाइप से ये नहीं करना चाहिए, ये विद्यालय है। गाइज हम बैक कैमरा से आप लोगों को ये दिखाते हैं, देखिए अंदर का, अब तो अंदर भी हाथ ये चला ही जाएगा, अंदर का ये कुछ नज़ारा देखिए किस टाइप से है ये रूम। तो यही सरकारी स्कूल का हाल है, देखिए कैसा ये सरकारी स्कूल होता है। ये देखिए छत भी फूट चुका है, बारिश उरिश में पानी भी ये चूता उता होगा मेरे ख्याल से। ये देखिए ये कितना फूट चुका है, इसको रिपेयरिंग कराना चाहिए। पता नहीं सरकार के तरफ से तो ये पैसा आता होगा मेरे ख्याल से, वो समय समय पर ये पैसा आता होगा गवर्नमेंट के तरफ से। ये देखिए और ये देखिए क्या हाल हुआ, लग रहा है झाड़ू वाड़ू भी नहीं लगाया जाता है इस क्लास में। देखिए ये तीसरा क्लास है, पता नहीं कहीं अगर बाहर ही बरंदा में बैठाते हो सर लोग स्टूडेंट लोग को, ये भी हो सकता है। देखिए बरंदा का क्या हाल है, ये भी तो पूरा बर्बादे हो चुका है, देखिए कितना ये फूटा हुआ है। पता सारा पैसा टीचर लोग खा जाता है, चेकिंग आता होगा ये देखने स्कूल को, तो पता नहीं सर लोग अगर हेडमास्टर जो हैं इस स्कूल के वो अगर पैसा वैसा कुछ चेकिंग वाले को ये दे देते होंगे वो भी अपना मस्त हो जाता होगा, क्योंकि आजकल पैसा का ये चलते हैं। फोर क्लास कैसा है चौथा क्लास देखिए। तो ये गाइस देखिए इसमें छड़ है ठीक है, बट इसमें पाला नहीं है, पाला नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए गाइस इसमें पाला नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिए उधर भी नहीं। अच्छा उस साइड का तो पूरा खाली हो गया है, पीछे से पूरा छरो ले गया है, दो तीन गो दिखाई दे रहा है और इस साइड का ये दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए गाइस उधर घर है बगल में, मतलब किसी का घर है, गांव है स्कूल के पीछे। ये देखिए तो इसका तो और हाल खराब हो चुका है, ये देखिए दीवार भी फट चुका है, कैसा सरकारी स्कूल हो गया है पते नहीं चल रहा है। ये देखिए ताला भी नहीं लगा हुआ है, इसी तरह खुले है ये। ओह ये देखिए गाइस, देखिए गाइस बगल में कुछ इस तरह ये लोकेशन है इस टाइप से, देखिए घर है, गांव है बगल में स्कूल के। और ये देखिए और ये लगभग 10-15 साल से बन रहा है, लेकिन आज तक ढलाया नहीं। हम लोग जब इस स्कूल में ये पढ़ रहे थे उसी समय से ये बनिए रहा है आज तक। तो चलिए गाइस उधर चलते हैं 5 क्लास में, उस साइड है 5 क्लास, 5, 6, 7, 8 उधर। अब पता नहीं किस क्लास में ये पढ़ाई होता है 9th वाले को, ये तो मालूम नहीं है, बट इधर महीना दो महीना पहले ये सुनने में आया कि ये 10th तक हो गया है, पहले तो 8th तक था। और ये है 7th क्लास है, तो इसमें भी ये ताला लगा हुआ है देखिए, और मेरे अंदाज से लग रहा है कि ये रूम थोड़ा उस सब रूम से बढ़िया है, क्योंकि देखने में लग रहा है अब ताला लगा हुआ है तो
अंजाद लगा रहे हैं, खुला रहता तो अंदर चल के हम आप लोगों को दिखाते, बट नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ताला लगा हुआ है। और यहाँ पे रहा गाइज एट क्लास, आठवा क्लास, ये है आठवा क्लास। और देखिए यहाँ भी वही हाल हुआ है, दीवार पर भी देखने को मिल रहा है कुछ कुछ लिखा हुआ, मतलब गलत सलत बात। और गाइज यहाँ पे हमारे बाबूजी का ये फोटो बनाया गया है, देखिए गाइज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस टाइप के ये फोटो से मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट को, हर किसी को मिलता है। हम तो चाहते हैं कि हर जगह, मतलब पहले के जो व्यक्ति थे जो अच्छे काम करते हैं, पहले जो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बहुत सारे लोग हैं, उस सब कोई का ये फोटो वोटो हर जगह लगना चाहिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलेगा आने वाले यूथ को, चाहे हर किसी को मोटिवेशन मिलेगा, वो भी अच्छे अच्छे काम करेगा कोई भी देखकर, हम यही चाहते हैं। देखिए गाइस तो वहीं ये 7 क्लास है और इधर का ये 8 क्लास है। चलिए अब हम ये 5 और 6 क्लास में ये चलते हैं। ये देखिए ये जो सीढ़ी दिख रहा है, वहाँ पे बोरा बिछा देते थे और उस पर हम चढ़ जाते थे, और एक लड़का बोरा पकड़ के और खींचता था, और बड़ा मज़ा आता था। हम मतलब हमको खींचता था, हम उसको खींचते थे फेरा फेरी गाइस, और बहुत इंजॉय करते थे वो सब। अभी आज देख कर पुराना याद ये ताज़ा हो रहा है। देखिए गाइस बट लेकिन अभी ये सब टूट चुका है, देखिए यहाँ पे ये इतना गड्ढा हो चुका है, और ये है ये भी गाइस ये सब टूट चुका है, देखिए ये सब यहाँ भी नाजुक हो चुका है, ये देखिए गाइस पूरा बिझिया उझिया के और टूट चुका है। चलिए 5 क्लास और 6 क्लास आप लोगों को ये दिखाते हैं, चलिए गाइस ये देखिए गाइस, ये वाला है 5 क्लास और यहाँ पे है 6 क्लास। ये 5 क्लास है तो इसमें भी ताला लगा हुआ है, देखिए गाइस तो बाहर से ही दिखा रहे हैं आप लोगों को, इस तरह है बाहर का ये नज़ारा। ये भी तो ये रिपेयरिंग हुआ है, ये भी फूट चुका था, देखिए गाइस बट ये रिपेयरिंग हुआ है। वो सब क्लास से ना, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा उधर है, तो उस सब क्लास से ये सब थोड़ा बढ़िया है, क्योंकि ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इधर इधर सीनियर स्टूडेंट लोगों का क्लास है, इसलिए इधर बढ़िया है थोड़ा, मतलब अच्छा रूम वूम चाहे हर चीज़ है, क्योंकि ये लोग बोलते होंगे कि हम लोग का रूम अच्छा ये रखिए, इधर टूट चुका है तो इधर बनवाइए सर, ये सब लोग बोलता होगा। और उधर है कि बच्चा सब रहता है पहला दूसरा तीसरा में, तो सब तो बोलता नहीं होगा, तब आजकल तो ये है कि अपने अपने से हर कोई मतलब रख रहा है, तो ये लोग भी नहीं बोलने जाता होगा कि उधर का रूम टूटा हुआ है, ये है वो है, मतलब तो उसको बनवाइए, और बच्चा सब तो बोलता ही नहीं होगा, इसलिए उधर का उसी तरह टीचर लोग ध्यान नहीं देता है, और इधर का थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं तो सही है। बट हम यही कहना चाहेंगे कि सर लोगों को हर जगह ध्यान देना चाहिए, सब एक समान है। और ये कैंपस में चापाकल है गाइज, तो इस पर भी बहुत मज़ा आता था, इस पर भी हम पानी उनी पीते थे लटक लटक के, पहले लड़का थे हम तो छड़िया है ना जो कलवा के, तो वहीं पकड़ के और लटक जाते थे, एगो लड़का उधर मुंह मुंड के, जो कल के मुंह है मुंड के, और तब पानी ये पीता था, हम भी पिए हुए हैं गाइज फेरा फेरी, मतलब पहले अकेले नहीं रहते थे, पहले 10 लड़का के साथ ही में पढ़ने भी आते थे, साथ ही में जो भी काम करते थे साथ ही में 10 लड़का के साथ ही ये करते थे। ये देखिए गाइज ये है एक दोगारी है, दोगारी टाइप का, चलिए चलते हैं पीछे, ये देखिए बहुत मज़ा आता था। और ये दीवार जो दिख रहा है गाइज ये वाला, तो इस पर हम लोग दोनों और पैर रख कर और ऊपर चले जाते थे छत पे, देखिए गाइज एक पैर इस पर रख देते थे, इस पर हाथ है उधर उधर, और चढ़ते चढ़ते ऊपर चले जाते थे। देखिए इधर क्या हाल हुआ है, इधर लेटरिन बाथरूम है गाइज, ये देखिए सरकारी स्कूल का लेटरिन बाथरूम क्या हाल हुआ है, मत पूछिए, बदबू भी ये बहुत सारा आ रहा है, साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया जाता है सरकारी स्कूल में, इसी कारण यही कारण है कि हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है प्राइवेट स्कूल में, यही मतलब देखकर यही सिचुएशन बहुत ख़राब स्थिति हो चुका है सरकारी स्कूल का। तो आप लोगों को हम बैक कैमरा से दिखाते हैं सारी चीज़ें यहाँ के, देखिए गाइस बगल में घर है,
किसी का। इधर देखिए, इधर पहले पूरा में गाछ था, पेड़ था, सारा पेड़ कट चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है देखिए। और ये देखिए क्या हाल हुआ, इसमें पेड़ भी जम चुका है लाइटिंग में, देखिए गाइस। उधर नहीं जाएंगे क्योंकि उधर बहुत कचरा हो चुका है, जंगल उंगल, तो उधर पिलुआ पताई कहीं होगा, इस कारण हम उधर नहीं जाएंगे। चलिए गाइस इधर यहाँ से उधर चलते हैं और दिखाते हैं और सारी चीज़ें। और जो गाइस जो सामने दिख रहा है वो लगभग 10-15 साल से बन ही रहा है और उसी तरह है 10-15 साल से, पता नहीं वो कब तक बन के तैयार होगा, ये पता ही नहीं चल रहा है गाइस। ये देखिए गाइस, ये जो छत दिख रहा है, इधर तो पहला क्लास है, पहला दूसरा और इधर है तीसरा चौथा, ये सब। तो गाइस इस पर चढ़ने के लिए छत पे कोई सीढ़ी नहीं बनाया गया है, इसलिए हम लोग इस पे ये चले जाते थे, उधर से दीवार पे चढ़ के इस पे आते थे, इस पे आकर फिर इधर यहाँ से तड़पना पड़ता था, दौड़ के उधर से आते थे और इस पे चले जाते थे ये वाले छत पे, और तड़प के पूरा छत पे वहाँ रेंग देते थे वहाँ तक। बहुत इंजॉय किए हुए हैं। तो गाइस चलिए हम ये चलते हैं अपने घर और फिर किसी दिन ये आएंगे और सर लोगों से बातचीत करेंगे इस स्कूल के बारे में, क्योंकि पूरा ये नाजुक हाल हो चुका है इस स्कूल का, तो उनसे बातचीत करेंगे क्यों नहीं, मतलब ये बन रहा है, उधर दीवार वाल फूट चुका है, ये पका उका, मतलब ये सब चीज़ के बारे में हम सर लोगों से बातचीत करेंगे। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। दुनिया में सब कुछ करी बतिया कहीं, दुनिया में सब कुछ करी बतिया कहीं, प्यारे के करो सेना करी हाय, प्यार के करो सेना करी हाँ।